कौन है? ग्राम रक्षक। कौन? ग्राम रक्षक। नंदराय जी। प्रणाम नंदराय जी। प्रणाम। क्या हुआ, इतनी रात गए तुम यहाँ? सुनिए, कन्हैया कक्ष में नहीं है। क्या? भैया, 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 बलराम भी कक्ष में नहीं है। क्या? क्या? दोनों नहीं? मुझे तो भय लग रहा है, कहीं कंस के सैनिक दोनों को उठाकर तो नहीं ले गए? यशोदा, तुम शांत हो जाओ, बिना सोचे समझे कुछ भी कह दीजिए। कृष्ण बलराम सदैव साथ ही रहते हैं, जाओ जाकर देखो, दोनों कमरे में सो रहे होंगे। मैं तो भाग लेता हूँ। चलिए दीजिए। प्रणाम नंदराय जी। प्रणाम। अशपाल, रात के इस समय गोकुल में सब कुशल तो है ना? बलराम, इतनी रात गए घर के बाहर तुम क्या कर रहे हो? बलराम, बलराम, कहाँ गए थे तुम इतनी रात को? बताओ कहाँ गए थे? नंदराय जी, जब मैं बस्ती में पैरा देते घूम रहा था तो मुझे तीन बच्चे अंधेरे में जाते दिखाई दिए। तीन बच्चे? बलराम, कृष्ण और। परंतु मेरा कृष्ण कहाँ है अशपाल? बोलो अशपाल, कहाँ है कृष्ण? मैंने ग्राम रक्षक महिपाल को कृष्ण पर दृष्टि रखने के लिए खड़ा किया है। इसका अर्थ है कि तुम्हें पता है कि कृष्ण कहाँ है? जी। पिताजी, कन्हैया परशु के घर में है। परशु के घर? रात के समय परशु हमें पुकार रहा था। कन्हैया, 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 कन्हैया। कहो भैया, परशु है। बुला रहा है, चलेंगे मेरे साथ? हाँ छोटे, चलते हैं, चलो। तुमने बुलाया, मैं आ गया। मेरी माँ बार बार तुम्हारा नाम ले रही है, तुम्हें देखना चाहती है। तुम आओगे ना? मैं माँ को अकेला छोड़कर आया हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे? चलो परशु, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम तीनों परशु के घर जा रहे थे, तभी इन्होंने हमें देखा। इसका अर्थ है कि कृष्ण यमी के घर पर है? हाँ। बलराम, तुम्हारी शरारतें दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही हैं। कल सूर्य उदय होते ही तुम्हें ऐसा दंड दूंगी कि तुम रात को तो क्या, दिन के समय भी किसी के साथ बाहर नहीं जाओगे। भाभी। दीदी, यमी के घर चलते हैं। जब तक मैं कृष्ण को सकुशल नहीं देखूंगी, मेरा मन व्याकुल रहेगा। परंतु मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, कृष्ण यमी के घर जाकर क्या करेगा? परशु उसे वहां लेकर क्यों गया? उसे तो वैद्य जी के पास जाना चाहिए था ना? आप वैद्य की बातों में समय व्यर्थ मत करिए, चलिए हम जाकर देखते हैं। चलिए ना।
परशु। अब रोएगा नहीं तो क्या करेगा परशु? उसका कोई भी तो नहीं है, ना 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 नानी, ना दादा दादी, ना पिता, ना माही, ना बहन। एक मैं थी, वो भी आग की सांस से गिर रही हूँ। माँ, इस संसार में अकेला रह जाएगा मेरा परशु। नहीं माँ, क्यों अकेला रह जाएगा? मेरे मरने के बाद उसका कोई नहीं होगा। माँ, परशु मुझे कह रहा था कि तुम कहती हो जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। सारा जग ये मान ले, जान ले सच ये आज, जिनका जग में कोई नहीं मैं हूँ उनके साथ। फिर आप क्यों कहती हैं कि परशु का कोई नहीं है? आप परशु की चिंता ना करो, पिताजी से बात करूंगा। हम सभी परशु का ध्यान रखेंगे। परशु हमारे साथ रहेगा। माँ, अब तुम ठीक हो जाओगी। तुमने तो कहा था कि कृष्ण तुम्हारी दवा है, कहा था ना तुमने माँ? अरे पगले, कृष्ण तो मेरी भक्ति की दवा है। कन्हैया, तुम मेरी माँ को बचाओगे ना? एक प्रश्न से पड़ गए दुविधा में भगवान। तुम मेरी माँ को ठीक कर दोगे ना? मैं विद्या के लेख से कैसे बनूं जान, कैसे रोकूं मौत को, कैसे रोकूं प्राण, टाले से भी ना टले विधिना का ये विधान। कहा था ना परशु, अब मैं नहीं रहूंगी। नहीं माँ, नहीं। इस धरती के सत्य को जानो परशु। रो मत परशु, रो मत। तुम अपना धैर्य मत खोना। मैं सब कुछ खोने को तैयार हूँ, परंतु तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं माँ। अरे पगले, कृष्ण तुम्हारे साथ है, तुम्हें किस बात की चिंता? कृष्णा तेरा दर्श जो पाया, तुम्हारे दर्शन से
शांति मिलती है। ना कोई कष्ट हो रहा है, ना कोई वेदना। अब मेरे मन में कोई चिंता नहीं है, कोई मृत्यु का भय भी नहीं है। करोगे मेरे मृत्यु तक मेरे सामने खड़े रहोगे, मेरे सामने रहो, तुम्हारे दर्शन करते करते मैं अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ कृष्णा। रो रहा माती पड़ी निश प्राण, भारी मन से देखते दृश्य कृष्ण भगवान। देख देख कर दृश्य ये भर भर आए भक्त का दुखड़ा देख कर खोया प्रभु ने चैन।
राधे, मृत्यु मन को सुन कर देती है, परंतु आपने यमी को सदगति प्रदान की है। मृत्यु लोक के दुख दर्द यातना से यमी अवश्य मुक्त हुई है। परशु के आंसू पोछते पोछते मेरी आंखों से कब आंसू निकल पड़े मुझे भी पता नहीं चला। जब मैं उसे शांत करने लगा तब मुझे ही पता नहीं चला कि मैं स्वयं कब अशांत हुआ। उसकी भावनाओं की बाढ़ को रोकना चाहता था और मैं खुद भावनाओं की आंधी में फंस गया। राधे, आश्चर्य इस बात का है कि मामा जी को कभी ऐसी भावना, ऐसा दुख दर्द, यातना कैसे छूती नहीं। वो इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? हम सत्य कह रहे हो चाहिए, हमें स्वप्न में विहार नहीं करना चाहिए। महर्षि दुर्वासा जब गोकुल पहुंचे तभी तो जो मैं चाहता हूं वो होगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। क्या समाचार लाए हैं? समाचार है कि महर्षि दुर्वासा गोकुल में पहुंच गए हैं। सुना तुमने चरण? सुना? महर्षि दुर्वासा गोकुल पहुंच गए हैं। महर्षि दुर्वासा गोकुल पहुंच गए हैं। जय श्री कृष्ण।